हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक वाई इंजीनियर आर के पाठक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज मैं लेके आया हूँ, जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो उसके बाद में जब उसमें पुट्टी पुट्टी करते हैं हम घर में, तो पुट्टी की क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लस पुट्टी कराने में हमारा घर में कितना खर्चा आएगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मेरा कमरा है। कमरे का साइज है 15 फिट, इसकी विड्थ है 15 फिट, इसकी लेंथ है, ठीक है। और जो मेरा इसका रूफ लेवल है वो है मेरा गाइस 10 फिट, ठीक। तो अब यहाँ से गाइस हम पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं रूम का वॉल। रूम का जो लेंथ है वो मेरा 15 फिट हो गया, इंटू हाइट हमारी 10 फिट, तो 15 × 10 इक्वल टू मेरा गाइस हो जाएगा 150 स्क्वायर फिट। ये हो जाएगा एक वॉल का। हमारी वॉल कितनी है, 1, 2, 3, 4, टोटल हमारी जो वॉल है वो है 4। तो 150 × 4 इक्वल टू 600 स्क्वायर फिट, यानी कि जो टोटल हमारा वॉल का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 600 स्क्वायर फिट। अब गाइज, अब लेते हैं सीलिंग। तो ये मेरी सीलिंग है, जितना मेरा रूम का एरिया है 15 × 15, उतना ही मेरा सीलिंग का हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे, 15 × 15 इक्वल टू 225 स्क्वायर फिट। अब गाइज, इसमें मेरे रूम में एक डोर है, एक विंडो है। तो मेरा जो डोर का साइज है वो है, इसका डोर का जो हाइट है वो 7 फिट एंड जो विड्थ है उसका 3 फिट। तो 7 × 3 इक्वल टू 21 स्क्वायर फिट एरिया हो जाएगा डोर का। सेम विंडो का जो एरिया है, मेरी हाइट है विंडो की 3 फिट और विड्थ है 4 फिट, तो ये हो जाएगा टोटल 12 स्क्वायर फिट। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एरिया। तो टोटल एरिया हो जाएगा मेरा 600 प्लस सीलिंग का एरिया 225, माइनस डोर का एरिया कितना है 21 प्लस 12, यानी कि जो मेरा टोटल एरिया है उसमें से हम क्या करेंगे, डोर और विंडो का जो एरिया है उसको डिडक्ट कर देंगे, डिडक्शन कर देंगे। तो टोटल एरिया मेरा यहाँ से आ जाएगा 792 स्क्वायर फिट। हम जानते हैं गाइज कि जो हमारी 1 kg पुट्टी है 2 कोट में वो कवर करती है 12 से 15 स्क्वायर फिट एरिया, और जो हमारी 1 kg पुट्टी 3 कोट में करती है 8 to 12 स्क्वायर फिट एरिया। तो यहाँ से हम क्वांटिटी ऑफ पुट्टी निकालेंगे, टोटल एरिया डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ से आ जाएगा मैं 66 kg। अब गाइज हम यहाँ से निकालेंगे, जो हमारा एक बैग पुट्टी का होता है उसका मिनिमम रेट होता है 780। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें भी 780 का भी मिलता है, 900 का भी मिलता है, 1000 का भी मिलता है, 1200 का भी मिलता है, ठीक है। तो आप जैसा लेना चाहें वहाँ से आप मार्केट से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम अब टोटल एरिया रेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल क्वांटिटी 66। अब यहाँ से जब एक बैग हमारा 780 का है 40 kg का, तो यहाँ से इसका 1 kg का रेट ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा रेट आ जाएगा इतना, 1287 रुपये। अब यहाँ से गाइज लेबर चार्ज। तो जो मेरा लेबर चार्ज होता है पुट्टी करने का, वो रहता है जो लेबर लेती है 1 स्क्वायर फिट का 5 से 7 रुपये। हमारा टोटल एरिया कितना है 792, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो टोटल मेरा आ जाएगा 3960 रुपये। अब टोटल अमाउंट हम ऐड करेंगे, तो जो मेरा पुट्टी का जो अमाउंट आया वो आया 1287 प्लस जो मेरा लेबर चार्ज आया 3960, टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे 5247 रुपये हमारे लग जाएंगे। यानी कि अगर हम 15 बाई 15 के एक कमरे को 2 कोट पुट्टी करते हैं, तो जो उसमें हमारा खर्चा आएगा गाइस वो आ जाएगा 5247 रुपये। अब आती है बात पुट्टी की, कि पुट्टी का हम कौन सा ब्रांड यूज़ करें। तो गाइस मार्केट में डिफरेंट टाइप की पुट्टी की ब्रांड है, उसमें सबसे नंबर 1 पे है जेके वॉल पुट्टी, नंबर 2 बिरला वॉल पुट्टी, नंबर 3 नेरोलैक वॉल पुट्टी, नंबर 4 एशियन वॉल पुट्टी। तो गाइज इसमें जो हम लोग तो मोस्टली जेके वॉल पुट्टी का यूज़ करते हैं। अब आपकी चॉइस है, आप किसी को भी कोई भी पुट्टी यूज़ कर सकते हैं, सारी ए क्लास की ये पुट्टी है, ठीक है। और एक चीज़ और गाइज, कि जब भी हम पुट्टी खरीदने जाएंगे, तो अगर हम 1 kg में ख़रीदते हैं, 2 kg में ख़रीदते हैं, 5 kg में ख़रीदते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। तो अगर हम एक बैग पूरा ख़रीदते हैं 40 kg का, तो उसमें हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो अगर गाइस आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस जिसने भी ये मेरा यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक वाई इंजीनियर आर के पाठक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली
नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।